सतश्रीकाल व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट साहिबा। सो वेलकम टू आर अनदर इंफॉर्मेशनल एपिसोड ऑफ TCM दिल्ली। आज आपके लिए ऐसा एग्रेसिव प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसमें हैंडफुल ऑफ चेंजेस हैं पुराने प्रोडक्ट से, लेकिन इंटीरियर टोटली चेंज है, परफॉर्मेंस में टॉप नॉच है। सो वन एंड ओनली हम बात करते हैं जैगुआर एफ पेस की 2 लीटर डीजल इंजन के साथ SR डायनामिक वेरियंट की। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट पार्ट आपको मिलती है काफ़ी एग्रेसिव लुक, जिसमें आपको स्टडेड ग्रिल मिल जाती है, यहाँ पे R डायनामिक की बैजिंग मिल जाएगी। अगर आप गाड़ी के एरोडायनामिक्स देखोगे ना, फ्रंट से काफ़ी यूनिक हैं। और अगर हम शेप की बात करें तो जैगुआर पुरानी गाड़ी से अभी तक काफ़ी कुछ ऐसे फीचर्स सिमिलर हैं जो कि फॉलो करता हुआ आ रहा है, जो कि इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं बेसिकली। सो हेडलैम्प्स की बात करें, एज यूजुअल आपको सिलेंड्रिकल हेडलैम्प्स मिलते हैं विद जैगुआर LED टेक्नोलॉजी के साथ। सो अगर हम बम्पर की बात करेंगे, इन द न्यू 2021 मॉडल आपको रिवाइज बम्पर्स मिलते हैं। सो जहाँ पे आपको सेंसर्स मिलते हैं वहाँ पे हाउसिंग देखोगे, काफ़ी गन मेटल फिनिश में हाउसिंग मिल जाती है, काफ़ी यूनिक है, एग्रेसिव लुक देती है गाड़ी को। सो कंटिन्यूइंग विद द रेयर प्रोफाइल, सो अराउंड द रेयर प्रोफाइल यू गेट 19 इंचेस गन मेटल फिनिश अलॉयज फ्रॉम द कंपनी। इन स्टॉक मल्टी स्पोक अलॉयज मिलते हैं, यहाँ पे आपको जैगुआर की लोगो मिल जाएगा, विच इज़ अगेन एक आपको कंप्लीट यू नो हाउसिंग दी गई है जैगुआर लोगो के साथ, काफ़ी यूनिक लुक दे रहा है साइड प्रोफाइल में। और अगर हम बात करें फ्रंट अप टू द साइड प्रोफाइल, कोई भी पार्ट पेंटेड चिप्ड ऑफ या स्क्रैच नहीं है। रनिंग इंडिकेटर्स मिलते हैं आपको, गाड़ी में मिलता है 360 डिग्री कैमरा। सो आप अगर फ्रंट ग्रिल में भी ध्यान से देखोगे आपको कैमरा का पार्ट मिलता है, और ओवर VMs पे भी आपको कैमरा का पार्ट मिलता है। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा कार का, सी आई जस्ट टच्ड इट और ये लॉक हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट अब आ जाते हैं हम इसके रेयर प्रोफाइल पे। सो अराउंड द रेयर प्रोफाइल हम बात करें, सबसे पहले जो हमारी नज़र जाएगी वो जाएगी इसके टेल लैम्प्स पे। जैगुआर में कुछ डिज़ाइंस और यू नो डिज़ाइन एलिमेंट्स ऐसे हैं कि प्रीवियस शेप से कंटिन्यूड हैं, बट उनको कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस दिए गए हैं। जैसे कि इसके टेल लैम्प आपको काफ़ी पहले से स्लीक टेल लैम्प्स मिलते हैं, जो कि इसके सिग्नेचर एफ पेस टेल लैम्प्स हैं। यहाँ पे एफ पेस की बैजिंग मिल जाती है, जैगुआर का मैसिव लोगो मिल जाता है। अब कमिंग टूवर्ड्स बम्पर्स, आपको ड्यूअल टिप एग्जॉस्ट मिलता है, साथ में रिवाइज बम्पर जैसे आपको फ्रंट में मिलता है वैसे ही बैक में मिलता है विद द ब्लैक स्ट्रिप एट द बैक। पहले आप देखोगे तो आपको कंप्लीट बम्पर मिलता था जो कि बॉडी कलर में था, अब यहाँ पे एक ब्लैक पियानो स्ट्रिप दी गई है। अगर हम कंप्लीट आप बम्पर लुक देखोगे, सेंसर्स भी बम्पर स्ट्रिप पे दिए गए हैं, यहाँ पे ब्लैक मेटल फिनिश में स्ट्रिप है। सो ये तो था एक क्विक वॉक अराउंड ऑफ एक्सटीरियर। अब बात करते हैं मेन जो इसका एक्सटीरियर है, काफ़ी कंप्लीट अब चेंज्ड है, और कंडीशन देखते हैं इंटीरियर की कैसी है। अगर आपकी इंटीरियर की तरफ नज़र जा रही है तो इंटीरियर्स पहले से काफ़ी मॉडर्न इंटीरियर्स कर दिए गए हैं, क्लीन लुक एंड सोफिस्टिकेटेड इंटीरियर्स कर दिए गए हैं। पहले काफ़ी जो इंटीरियर्स थे स्पोर्टी लुक की तरफ थे, अब आपको काफ़ी अच्छे स्लीक और क्लस्टर फ्री इंटीरियर कर दिया गया है। यहाँ पे बात करते हैं सॉफ्ट टच लेदर में डैशबोर्ड मिल जाता है, यहाँ पे आपको AC पॉइंट्स मिल जाते हैं फ्रंट रो में, देन नीचे आते हैं सिल्वर मैट फिनिश में एक रो लाइनिंग मिल जाती है जहाँ पे ब्लोअर कंट्रोल्स दिए गए हैं। तो आपको इंटीरियर मिलता है टैन में, टैन यहाँ पे सॉफ्ट लेदर का यूज़ हुआ हुआ है डैशबोर्ड पे, कोई भी पार्ट स्क्रैच चिप्ड ऑफ नहीं है। अब आते हैं इसके कॉकपिट की तरफ, तो आपको वर्चुअल कॉकपिट मिल जाता है, उसके लिए हम कार कर लेते हैं स्टार्ट। एज दिस कार इज़ अ डीजल वेरिएंट, तो हल्की सी ग्राउलिंग है, अदरवाइज उसके अलावा कोई कैबिन नॉइज नहीं है कार में। यहाँ पे वर्चुअल कॉकपिट मिल जाती है, अगेन यू गेट वर्चुअल नेविगेशन हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट डोर की बात करें तो काफ़ी अच्छा लुक दिया गया है, यहाँ पे सिल्वर फिनिश में आपको लाइनिंग मिल जाती है विद द क्रोम बेडिंग हियर, और डोर हैंडल्स पे भी क्रोम मिल रहा है। आपको मेमोरी सीट्स मिल जाती हैं, रेस्ट अदर कंट्रोल्स, और गाड़ी में आपको जो ऑडियो सिस्टम मिलता है वो मिलता है मेरिडियन ऑडियो सिस्टम, जो कि JLR का सिग्नेचर ऑडियो सिस्टम है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डोर पैनल्स एंड द डैशबोर्ड स्टेयरिंग एंड योर वर्चुअल कॉकपिट। अब आते हैं इसके कंसोल की तरफ, तो कंसोल में आपको जो स्क्रीन मिलती है काफ़ी बड़ी टच स्क्रीन मिल जाती है यहाँ पे, विच इज़ अगेन इन ऑपरेटिंग कंडीशन काफ़ी सारे फीचर्स हैं। यू वांट टू कंट्रोल योर नेविगेशन और देयर सो मेनी अदर फीचर्स यू कैन कंट्रोल फ्रॉम हियर। यहाँ पे आपको टच में मिल जाता है क्लाइमेट कंट्रोल, उसके नीचे जब हम आते हैं यहाँ पे एक छोटी सी स्पेस में एम्बेडेड है वायरलेस चार्जर। सो अब जो इसका मेन और इम्प्रूव पार्ट है, और जो
चेंज पार्ट है जैगवार का वो है इसका गियर लीवर। ओवरऑल डैशबोर्ड से लेके कंसोल तक की बात करें तो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है, स्क्रैचलेस कंडीशन में, क्योंकि गाड़ी चली ही कुछ नहीं है। और यहाँ पे इसके जो कंट्रोल्स है काफ़ी यूनिक है। अब आप यहाँ पे क्लस्टर पे देखोगे आपको डायनेमिक्स कंट्रोल कहाँ है, सो इट जस्ट अ वन पॉप्ड अप बटन एंड यू कैन कंट्रोल द मोड्स हियर। और आपको यहाँ पे कॉकपिट पे सारे मोड्स कंट्रोल मिल जाएंगे एंड एज पर योर कंट्रोल्स जो भी आपको ड्राइविंग मोड्स मिल रहे हैं उसके साथ साथ आपका ओडोमीटर की भी स्क्रीनिंग चेंज होगी। सो इसको वापस कर देते हैं बंद। अब आते हैं इसके होल्डर्स की तरफ, तो यहाँ पे ट्विन कप होल्डर्स मिल जाते हैं, इसको करते हैं बंद। अब यहाँ पे आते हैं इसके आर्मरेस्ट की तरफ, तो छोटा सा एक आपको ग्लो बॉक्स मिल जाता है यहाँ पे जिसमें आपको टाइप सी और USB चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं गाड़ी की सिटिंग की, तो सिटिंग इज़ वेरी कंफर्टेबल, कुशनी है सीट्स यहाँ पे, आपको आप देखोगे काफ़ी अच्छा नी सपोर्ट मिलता है सिटिंग कंफर्टेबिलिटी के साथ साथ। लेदर क्वालिटी इज़ गुड, कोई चिप्ड ऑफ सीट्स नहीं है, कोई क्रैक्ड सीट्स नहीं है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सीटिंग। तो अगर हम बात करते हैं जेला के मोस्टली प्रोडक्ट्स की, तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपको पैनोरामिक रूफ नहीं मिलती कि हाफ रूफ ओपन हो रही है और हाफ रूफ मून रूफ है, इसमें आपको कंप्लीट मून रूफ मिलती है। अगेन नो ग्लासेस ब्रोकन, द कार इज इन टॉप नॉच कंडीशन। अगर आप यहाँ पे किसी भी इंटीरियर की बात करें कोई भी पार्ट ख़राब नहीं है, स्क्रैच नहीं है, टॉन्ड आउट नहीं है। अब आ जाते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ, सो आई एम एट द रियर रो ऑफ द कार, सो यहाँ पे अच्छा खासा लेग रूम मिल जाता है। बीइंग इन SUV, कुछ ऐसी SUVs हैं कि जाइंट होने के बावजूद भी हमें लेग रूम की शिकायत रहती है, बट ऐसा नहीं है, इसमें काफ़ी अच्छा लेग रूम आपको मिलता है। मेरा नी रूम देख रहे होगे, काफ़ी स्पेशियस है, हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है। और सबसे अच्छी जो फील है इसकी मून रूफ की है, या आप कर्टन हटा रहे हैं और अच्छे से मौसम में चल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अब आ जाते हैं इसकी डोर्स की तरफ, सो एज जो पैनल फ्रंट में कंटिन्यू हो रहा था आपको रियर में वैसे ही पैनल मिलेगा विद सॉफ्ट टच लेदर एंड विद द हिंट ऑफ दिस टैन इंटीरियर इन इट। यहाँ पे आपको डोर हैंडल पे क्रोम मिल जाता है, अगेन स्क्रैचलेस कंडीशन में है। पिलर्स पे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं और यहाँ पे मेरिडियन साउंड सिस्टम का स्पीकर मिल जाता है यहाँ पे। देन कमिंग टूवर्ड्स द रियर AC वेंट्स, यहाँ पे आप देखोगे एक स्लीक सी जैगुआर की बैजिंग है इसके ऊपर, साथ में यहाँ पे आपको क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है, एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है आपको चार्जर के लिए। और अब बात करते हैं गाड़ी की रियर सिटिंग कम्फर्टेबिलिटी की, तो कम्फर्टेबिलिटी इज़ गुड, अगेन नी सपोर्ट की कोई शिकायत नहीं है, सिटिंग काफ़ी कंफर्टेबल है। लेदर क्वालिटी की बात करें टॉप नॉच कंडीशन में है, क्रैक नहीं है, कटेड नहीं है। सो यहाँ पे आपको मिल जाता है आर्मरेस्ट जिसमें अगेन आपको ड्यूअल कप होल्डर्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं गाड़ी के बूट की, तो काफ़ी अमंगस आपको बूट स्पेस मिलता है जो कि लॉन्ग ट्रिप्स के लिए काफ़ी सूटेबल है। और गाड़ी की ड्राइव की बात करते हैं, और बात करते हैं गाड़ी किस प्राइस में हमें TCM दिल्ली पे मिलेगी। सो आफ्टर एक्सप्लोरिंग अबाउट द एक्सटीरियर एंड एक्सटीरियर, हमारी उम्मीद होती है गाड़ी की पावर क्या है, गाड़ी की परफॉर्मेंस क्या है। सो टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द कार, कार आपको 2 लीटर डीजल इंजन के साथ मिलती है विच एक्चुअली प्रोड्यूसेस द पावर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 177 BHP एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 420 NM टॉक। गाड़ी की इन सिटी माइलेज की बात करें अप्रॉक्सीमेटली 15-16 KMPL की माइलेज मिलती है। एक्सेलरेशन थ्रॉटल की बात करें काफ़ी अच्छा है। गाड़ी के व्हील ड्राइव की बात करते हैं, आपको गाड़ी मिलती है ऑल व्हील ड्राइव जिससे कि इसका जो ऑन रोड परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कार आपको मिलती है ऑल व्हील ड्राइव के साथ जिसके साथ आपको जो इसका ऑन रोड परफॉर्मेंस होता है काफ़ी अच्छा मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब आ जाते हैं इसके प्राइस पे, तो यू विल बी सेविंग लॉट ऑफ अमाउंट फ्रॉम द न्यू कार, क्योंकि नई कार आपको मिलती है 90 लाख के ऑन रोड प्राइस के साथ। सो TCM दिल्ली पे जो आपको प्राइस मिलने वाला है 71 लाख का मिलने वाला है जो कि नेगोशिएबल है। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर्स ऑन द स्क्रीन, एंड फॉर मोर वेरियंट्स एंड द प्रोडक्ट्स यू कैन एक्सप्लोर अस ऑन आर Instagram प्रोफाइल, ऑल्सो ऑन आर वेबसाइट गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। सत श्री अकाल व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट साइबा। So welcome to our another informational episode of TCM Delhi.